पेरिस में साइन रिवर के किनारे किनारे आपको किताबों के स्टॉल्स मिलेंगे, और ये बहुत पुराने 15वीं 16वीं शताब्दी से 1500 समथिंग में शुरू हुए थे ये। और तब उस वक्त जो राजा थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो वॉर विडोज होती हैं उनके लिए अपना जीवन यापन करने के लिए एक तरीका होना चाहिए। तो उन्होंने ये उनको लाइसेंस दिया, उनको परमिशन दी कि सायन नदी के किनारे किनारे वो किताबों के स्टॉल्स लगा सकते हैं और बेच सकते हैं किताबें। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान भी ये जो दुकानें थी ये बहुत काम आई थी फ्रांस के जो अलाइड फोर्सेस थी उनको जीतने के लिए, क्योंकि इन्हीं दुकानों के थ्रू वो लोग कोडेड मैसेजेस एक्सचेंज किया करते थे। इन दुकानों की बड़ी हिस्ट्री और बहुत खूबसूरत बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। आप जाएं वहाँ पे, वहाँ से कुछ खरीदें तो आप सिर्फ किताबें नहीं मिलती, वहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं, स्टेशनरी है, पोस्टर्स हैं, स्केचेस हैं, ऐसी कुछ भी अलग अलग तरह की चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, और बहुत ही रेयर और एक्सक्लूसिव तरह का सामान आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आज भी लोग जाते हैं और इसके आसपास आपको हमेशा भीड़ मिलेगी और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो कहीं और नहीं मिल सकती यहाँ पे ज़रूर मिलेगी।